बार बार ये कहा जाता है, घनश्याम तिवारी जी ने खुले सदन में एलओपी का अपमान किया और आज कहा गया कि घनश्याम तिवारी आए, चेयर के साथ मिले, बंद कमरे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खूब प्रशंसा की। तो जो घनश्याम तिवारी जी ने प्राइवेटली कहा, हमारी मांग थी कि संसद में खड़े होकर कहे, इतने धैर्य के साथ उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया, उसी धैर्य के साथ वो कहें कि जो मैंने कहा वो गलत था, मैं उनको उनका आदर करता हूं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मेरी गलती से मैंने कुछ कह दिया। आज चेयरमैन साहब ने कहा उन्होंने संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैंने चेयरमैन साहब से पूछा तो क्या मैं संस्कृत में आपको बोलूं, मैं संस्कृत जानता हूं, मैं संस्कृत भाषी हूं। तो बार बार मुझे टोकते रहते हैं, पर मुझे टोकने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एलओपी को मौका नहीं देते हैं। एलओपी का अपमान हुआ है, एक संवैधानिक पद का गरिमा को नीचे गिराया गया है, इसके खिलाफ हम। सर मुख्य मुद्दा जया बच्चन का अपमान है, एलओपी का अपमान? नहीं नहीं, जया बच्चन इसीलिए तो खड़े हुई थी, जया बच्चन तो इसीलिए खड़े, मेंबर का अपमान है, इसीलिए तो खड़ी हुई थी जया बच्चन कि बार बार आप एलओपी का अपमान कर रहे हैं, एलओपी का मौका नहीं दे रहे हैं, आप बोलते रहते हैं, नाराजगी में बोलते रहते हैं। जया बच्चन तो इसीलिए तो खड़ी हुई। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि घनश्याम तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कुछ दिन पहले। हमने खत लिखा, हमने ये कहा इसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। आज हमें कहा गया कि घनश्याम तिवारी जी आए, हमसे मिले और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को की खूब प्रशंसा की। वो प्रशंसा क्यों सदन में नहीं वो जताते? सदन में तो अपमान हुआ है। आगे क्या करेंगे सर आप लोग? अभी देखिए, अभी तो वॉक, अभी तो क्वेश्चन, अभी देखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।